अब देखो, हम ये जान रहे थे कि किस तरीके से जो हमारे लव्ड वंस हैं वो एक दिन हमें इस दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं, मीन्स दे डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है, और हम यहाँ पर अलोन रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, और उसके बावजूद भी, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी हमें सर्वाइव करना पड़ता है उनकी कमी के साथ, और खुश भी रहना पड़ता है टू शो द पीपल, लोगों को दिखाने के लिए, ये रियलिटी है, एंड वी कैन इवन से कि दिस इज द हार्श रियलिटी, कड़वी सच्चाई। ये एक दिन हम भी फील करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा। इसके अलावा देखिए, ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ कहने के लिए तो एक वर्ड है, लेकिन कई बार ये किसी के लिए या कई बार हम लोगों के लिए भी एक हमारी कंप्लीट दुनिया ही हो जाता है। दुनिया से मतलब है, अगर आप अपने जब हमारी जैसी एज में आ जाओगे और अपने बचपन के या इन दिनों के या और छोटेपन के फ़ोटो या इस तरह की चीज़ें देखते हो, तो आपको शायद अपना बचपन में दोबारा जाने का मौका मिलता है। ये इनकी कीमतें हमें वक्त पे पता चलती है। आज जो फ़ोटो आप अपने फ्रेंड्स या इधर उधर जा कर के खींचते हो, इतना रियलाइज़ नहीं होंगे, लेकिन जब आप उन्हें 40 की एज में देखोगे ना, उस दिन आपको उन फोटोग्राफ्स की खूबसूरती का पता चलेगा कि कितने मेमोरेबल हैं, कितने लविंग हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। ये जो पोएम है, अ फोटोग्राफ, शिर्ली टॉल्सन इसकी लेखिका हैं। अब वो यहाँ पर हमसे कहती हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, तो मैं अभी बताता चलूँ, मैं ऐसे ही बता दूँगा। चलो देखो, पैडलिंग का मतलब होता है टू वॉक बेयर फूट, नंगे पाँव चलना एक हल्के गहरे पानी में, इन अ शैलो वाटर, लाइक कि आप समुद्र के किनारे पे चल रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा डीप वाटर तो होता नहीं है, वहाँ पर आप टहल रहे हो, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है, ऐसे इस तरीके। आगे है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर। अब देखो यहाँ पर थ्रो दियर एयर, ये फिगर ऑफ स्पीच है, स्माइल थ्रो दियर एयर। आपने कभी सुना है कि बाल हंस सकते हैं किसी के, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वो हंस रही थी बालों के द्वारा, मुस्कुरा रहे थे उनके बाल, मुस्कुरा रहे थे। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक इमोर्टल चीज़ की तुलना, हेयर की तुलना किन से की जा रही है? स्माइल से, जो क्वालिटी होती है सजीवों की, है ना, एंड क्वालिटी की जा रही है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। तो मीन्स यहाँ पर मेटाफर है, अगर लाइक और एज होता तो सिमिली हो जाता। पर्सोनिफिकेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का जीवन मानवीकरण करते हैं, किसी अमूर्त चीज़ का, किसी मृत चीज़ का। जैसे ट्रीज, व्हेन आई सॉ ट्रीज आर वॉकिंग ऑन द रोड, जब मैंने देखा तो जो पेड़ हैं वो सड़कों पर चल रहे हैं, ये दिस इज़ द इमेजिनेशन ऑफ पोएट, कल्पना है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर वो पेड़ चल रहे हैं, ये सजीवों की क्वालिटी अडॉप्ट कर ली उन्होंने। खैर चलिए आगे चलते हैं। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। अच्छी चीज़ है ये, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, यानी जो ऐसा लगता था, जो चेंज लेस मतलब कम परिवर्तित हुआ है, यानी यहाँ पर वो ये भी कहना चाहते हैं जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उनमें आमतौर पर परिवर्तन बहुत ना के बराबर ही महसूस किया जाता है। वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पर देखो, ट्रांजिएंट फीट का मतलब है एक शॉर्ट लिव्ड, छोटे समय के लिए, टेम्परेरी यू कैन ऑल्सो से टेम्परेरी, जो कुछ छोटे वक्त के लिए ही हो। उन वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उसने उनके पैरों के निशानों को, उनके पाँव के निशानों को धुल दिया। किसने?
जो बहुत कम चेंज होता है उस समुद्र में। जैसे देखो शुरू की लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि वो वॉक कर रही थी तो उनके पैरों के निशान वहाँ बने, लेकिन समुद्र आया और धीरे धीरे उसने उनको भी मिटा दिया। खैर जो हमने बीच बीच में से जाना, अब इसको लाइन टू लाइन समझते हैं। एंड व्हेन द टू गर्ल, जब दोनों लड़कियाँ, टू गर्ल कजिन यानी दोनों लड़कियाँ जो कजन्स थी आपस में, वेंट पैडलिंग, वो गईं, जा रही थी, पैडलिंग मतलब बताया था अभी नंगे पाँव थुलथुले पानी में चलते हुए। ईच वन यानी दोनों में से प्रत्येक ने, होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड, उन्होंने पकड़ा हुआ था क्या, और वह द बिग गर्ल, और वह जो बड़ी लड़की थी, संचुअल ईयर और सो लगभग 12 वर्ष की या लगभग, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द ईयर एयर, वो तीनों वहाँ पर स्टिल मतलब ठहरी हुई खड़ी थी, टू स्माइल थ्रू द ईयर हेयर, और अपने बालों के द्वारा मुस्कुरा रही थी। कैसे के समुद्र, जब वो ओशियन के किनारे खड़ी थी तो वहाँ पर हवा चल रही थी, यानी एक वेदर को भी, नेचर को रिप्रेजेंट किया है, जिससे उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल थे, देयर वॉज अ मैन ऑल्सो, जो अंकल थे कैमरे के साथ, अ स्वीट फेस, उन्होंने कहा क्लिक करते हुए, स्वीट फेस, माई मदर, जो मेरी माँ है, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये मेरी माँ का, मेरी मदर का कब का फोटो है, बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, अब ये कितनी पुरानी बात होगी, एंड द सी, और ये जो समुद्र है, विच अपीयर, जो लगता है, जो प्रकट होता है, विच सीम्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो अभी भी अगर मैं उसको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो वो बहुत ही कम चेंज हुआ है। वॉश्ड डियर, अब इसी ने क्या किया था, वॉश्ड डियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसी ने उनके जो ट्रांजिएंट फीट थे यानी शॉर्ट लिव्ड टेम्प्रेरी फीट थे, उनको धुल दिया था, उन निशानों को भी मिटा दिया था। अब इसको देखो ऐसे समझो, जो यहाँ ये समुद्र है जिसको चेंज लेस के उससे वो रिप्रेजेंट किया है, यानी एक नेचुरल चीज़ों को, टाइम भी हमारा ऐसा ही होता है, समय जो है ये भी एक इमोर्टल ही है, ठीक, और समय जो होता है वो किसी भी बड़ी से बड़ी यादों को, बड़े से बड़े दुख को या बुरे वक्त को वो भर देता है, उस जख्म को या किसी कमी को पूरा कर देता है। तो ऐसे ही वो कहती हैं कि आज मेरे पास मेरी मदर की कमी है, लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं मैंने समझौता किया हुआ है, जो हमारी है पोएट। आगे वो कहती हैं कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, के लगभग 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, अपनी माँ को ही कह रही हैं वो, शी यानी यहाँ पर पोएट की मदर, कि वो हंसी थी, उन्होंने मुस्कुराहट आई थी जब उन्होंने स्नैपशॉट को, उस फोटो को देखा था। सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को, शी वुड से, वो कहा करती थी, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि उन्होंने हमें कैसे ड्रेस्ड किया था बीच के लिए। द सी हॉलीडे, इट वॉज द सी हॉलीडे, ये हमारी सी हॉलीडे थी, विच वी वर एन्जॉइंग ऑन दैट टाइम, वॉज हर पास्ट, अब जो उनकी ये सी हॉलीडे थी ये उनका पास्ट था, मेरी मदर का पास्ट था, गुजरा हुआ वक्त था, एंड माइन, और मेरे लिए क्या था, उनकी खुशी, उनका लाफ्टर। तो हम दोनों ही विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब हम जो दोनों महिलाएं थी, एक पोएट की मदर होगी, एक पोएटेस होगी खुद, उनको दुख था इन दोनों चीज़ों को खोने का, हमें दुख था इस वक्त को खोने का। अब किस किस चीज़ को खोने का वक्त था, वो यहाँ नीचे उन्होंने बताया है कि
शी हैज़ बीन डेड। अब मैंने क्या खोया कि जो मेरी मदर थी उनकी तो डेथ हो गई थी लगभग, ठीक है, और जो मैं ये तो खोया मैंने, और जो मेरी मदर थी उन्होंने खोया अपना पास्ट, अपना वो वक्त जो उनका एग्जॉटिक मोमेंट थी। अब इस स्टैंजा पे चलेंगे, नाउ शी इज बीन डेड, अब उनकी डेथ हो चुकी थी, नियरली एज मैनी ईयर्स एज डेट गर्ल्स लिव्ड, अब उनकी डेथ हो चुकी थी कितने वर्ष पहले, जितने वर्ष की ये लड़की थी, 12 साल पहले। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति में है ना मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है आखिर, इट्स साइलेंस, साइलेंस केवल क्या है, साइलेंस एक साइलेंस है, एक शांति है।